देखिए, एमसीजी ने 15 मार्च 2019 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को एक जमीन पेट्रोल पंप के लिए अलॉट कर दी। जब ये पता लगा कि वो जो जमीन अलॉट करी पेट्रोल पंप की, वो एरिया फॉरेस्ट एरिया में आता है और अरावली रेंज का पार्ट है, वहाँ पेट्रोल पंप नहीं लग सकता, तो उसके बाद वहाँ के RW जो रेगुलर एसोसिएशन है उसको राठी साहब देखते हैं, और राठी साहब की संस्था अलग है, गुड़गांव सिटीजन काउंसिल, राठी साहब वहाँ के काउंसिलर भी हैं। तो वहाँ इन्होंने काफ़ी मुद्दा उठाया और सरकार को अलग अलग विभागों को लेटर लिखे कि जमीन ये पेट्रोल पंप के लिए अलॉट नहीं होनी चाहिए, परंतु सरकार ने कुछ नहीं किया। उसके बाद मजेदार बात है कि इवन आपके रूलिंग पार्टी के जो विधायक हैं, उन्होंने भी एक पत्र लिखा सरकार को कि ये जमीन फॉरेस्ट एरिया की है, अरावली रेंज में आती है, यहाँ पेट्रोल पंप नहीं लगाना चाहिए, परंतु सरकार फिर भी अपनी इलीगलिटी को आगे बढ़ाती रही। उसके बावजूद हम सब ने निर्णय लिया कि मानवाधिकार संस्था के बैनर पे इस केस को NGT में दायर किया गया है। NGT में केस दर्ज किया गया और 9 फरवरी को NGT ने स्पष्ट आदेश दिया है कि यहाँ पेट्रोल पंप नहीं लगेगा। और साथ साथ NGT ने गुड़गांव डिप्टी कमिश्नर और डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर को ये कहा है कि आप 2 महीने में रिपोर्ट तैयार करके हमें सबमिट करें कि MCG ने ये इलीगलिटी क्यों करी, यहाँ उन्होंने जमीन अलॉट क्यों करी। तो अब स्पष्ट हो गया और NGT ने स्पष्ट कहा है कि यहाँ पेट्रोल पंप नहीं, इसमें कहीं ना कहीं निगम की गलती दिख रही है। स्पष्ट गलती है, क्योंकि अगर निगम अब ये नहीं कह सकती कि हमें नहीं पता था कि जमीन ये फॉरेस्ट एरिया है, क्योंकि ये जमीन के मालिक MCG है, नगर निगम है, और नगर निगम के पास अपनी हर जमीन का पूरा रिकॉर्ड होता है। तो हमने जो NGT में लगाया उसमें लगाया बकायदा MCG के रिकॉर्ड में आ रहा है कि ये गैर मुमकिन पहाड़ एरिया है, वो कागज हमने NGT में लगाया। तो NGT ने स्पष्ट माना कि यहाँ पेट्रोल पंप लगना अरावली रेंज से संबंधित नियमों को वायलेट करना होगा। तो NGT ने तुरंत आदेश दिया कि यहाँ पेट्रोल पंप नहीं लगा। उसी टाइम से पहले काउंसलर मैंने हाउस भी टेक किया था और चीफ मिनिस्टर को भी उस टाइम संज्ञान में लेके आए थे, लेकिन जब मुझे अश्योर किया गया कि ये पेट्रोल पंप नहीं लगेगा, लेकिन अब हर डिपार्टमेंट से NOC मिल गई है, एक्सेप्ट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट से नहीं मिली है, तो अभी ये जोर शोर से उठ रहा था तो हमने डिसाइड किया कि इसको कोर्ट में जाएंगे। तो इसी के द्वारा हम NGT को NGT ने भी ऑर्डर दिया है कि अभी यहाँ पर पेट्रोल पंप नहीं लग सकता, क्योंकि गैर अभी जो निगम ने जो जमीन पास की थी, क्या निगम को नहीं पता था कि NGT जमीन आती है? निगम को तो पता है, निगम के क्या है, जो सरकार का प्रेशर आता है निगम के ऊपर, निगम डिसीजन तभी लेता है, सरकार का जो प्रेशर आया था उन्होंने दे दिया, अलॉट कर दिया। अगर ये चीज़ हम आवाज़ नहीं उठाते तो पेट्रोल पंप भी अलॉट होकर स्टार्ट भी हो जाता, क्योंकि हम एज ए जागरूक नागरिक हमारी ड्यूटी बनती है, ग्रीन बेल्ट किसी पर्पज के लिए बनाई जाती है, ना कि पेट्रोल पंप के और शराब के ठेकों के लिए, तो इसलिए हम आवाज़ उठाते हैं। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।